आज मैं जिस विलन को यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ, वो जो विलन है वो बड़े हैंडसम है, डैशिंग है, गुड लुकिंग है, जिन पे लड़कियां मरती हैं। उन्होंने दबंग, जोधा अकबर, रेडी, चेन्नई एक्सप्रेस में उन्होंने अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े हैं। सो एक बार जोरदार ताली स्वागत कीजिए हमारे सबके प्यारे, हरमन प्यारे निकेतन का। जोरदार ताली एक बार निकेतन के लिए। तू तंबू वो बंबू। कभी देखा ऐसा विलेन? ठोको तालियां जरा जोरदार। निकेतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। थैंक यू। जोधा अकबर में वो घोड़े वोड़े हाथी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए आपको तो स्पेशली। हाँ। एक बंदा घोड़े बैठ के आया, निकेतन अकेला पैदल ही जा रहा, फिर भी घोड़े वाले से ऊंचा है। एक्चुअली एक सीन में घोड़ा था तो मेरे पैर लग रहे थे जमीन पे, फिर इसलिए उन्होंने ऊंट पर डाल दिया था। और घोड़े के ऊपर जब बिठाया ना निकेतन को, तो घोड़ा ऐसे पहले बैठा, फिर जब निकेतन चढ़ा घोड़ा कहते हैं तुम लोगों ने देखा एक्टर बिठाना, ये क्या मेरे ऊपर माल लाद दिया ट्रक वाला है। लेकिन ये हाथ क्यों मल रहे हैं? मेरी तो आदत, आप क्यों वैसे कर रहे हैं? मैं ना थोड़ा घबरा रहा हूँ आज। ये क्या बात कर रहे हैं आप? फिल्म में तो आप किसी से डरते नहीं है, पूरा बॉडी बॉडी उधर क्या है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं ना, आपके साथ मुंह कौन चलाएगा? तो मैं अपने गुरुजी को बुला लूं। गुरुजी भी आए आपके? हाँ हाँ। ये बदमाशों के भी गुरु होते हैं? बिल्कुल होते हैं यार। जैसे हम लोग संगीत सीखते थे गुरुजी, आप हमें रियाज करना सिखाइए, आप क्या करते गुरुजी? दुपट्टा छीनना सिखाइए। रियाज कराते हैं वो भी। रियाज कराते हैं? कौन है आपके गुरुजी? भाई इनके जो गुरु हैं, मेरी रिक्वेस्ट है लेडीज सारी पीछे चली जाएं। और जो पीछे वाली लेडीज है वो घर चली जाएं। और लड़के दुपट्टे ले लें। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डैशिंग हैंडसम द वन एंड ओनली रंजीत। रंजीत बाजी, हजूरे वाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए पाजी, जफी पहले जफी बाओ, मतलब इतने मतलब गुड लुकिंग, ये ट्रेंड एक्चुअली इन्होंने शुरू किया था, मतलब स्मार्ट विलेन। तो जब कभी हिरन को भी उठाने जाते थे तो वो भी सोचती थी कि उठ जाऊं मना करूंगी चली जाऊं साथ में। कपिल जी भाई, मैं आपका शो इतने प्यार से देखता हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ अपनी लाइफ में अगर 400-500 पिक्चर की होंगी तो 8-10 देखी होंगी, लेकिन आपका शो जो है ना रिलीजियसली मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि इसमें एक दो विलन को वैसे ही हंसने का मौका नहीं मिलता। हंसता भी है तो नकली डराने के लिए। दादी मेरी अच्छी लगती है। और तेरी दादी, इसकी जो दादी है ना उसके अंदर ही 8-10 रंजीत भरे हुए हैं। मैं अपने गुरु को लेके आया हूँ साथ में। अच्छा, हाँ जी, आपके भी गुरु हैं? हाँ। गुरु आपके गुरु भी मतलब? नहीं मतलब मुझे तो लगता है ये सब कामों में आप ही सबके गुरु हैं। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। मेरे गुरु ने जहां से छोड़ा था ना मैं वहां से चालू हुआ था, पता है आपको? अभी आप इमेजिन कीजिए कि मेरे गुरु ने कहां छोड़ा होगा। बुलाऊं? जी प्लीज, दिल थाम के बैठिए जी। अभी जितनी भी औरतें पीछे गई थी ना अभिषेक आ गया रे। कोई डरने वाली बात नहीं है कि मैंने वो काम छोड़ दिए। प्रेम चोपड़ा साहब को बुलाओ। ओ, जोरदार तालियां। अरे वाह भाई, एक चीज मुझे देख के अच्छी लगी भाई, विलन भी एक दूसरे के पांव छूते हैं। अच्छी बात है पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पांव छू नहीं रहे थे, कोशिश कर रहे थे पांव से पकड़ के गिरा दे। लौट कर फिर वही जमाने आ गए, आ गए हंसी की दुनिया को वो डराने आ गए। मच गई है हर तरफ खलबली यारो, सुना है कि जंगल में शेर पुराने आ गए। और आज मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी फैमिली नहीं है ना, मेरी चिपकू दादी है। वो होती ना कहते चिपकू दादी नहीं है, है? दादी नहीं, आप आराम से बैठिए। प्रेम जी भी रिलैक्स हो गए। अच्छा दादी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। दादी तुम्हें मालूम है मेरा गुरु भी आया हुआ यहाँ पर। मेरा प्रेम। हाय, कितनी बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। हाय, कितने चुपड़े चुपड़े लग रहे हो। सच के
बराबर से देखूं आपको। हाय हाय मेरे चोपड़ा, मैं आपकी चोपड़ी, हम दोनों के बीच में ना आए कोई छोकरी। बिल्कुल नहीं आएगी, चटक गई खोपड़ी। एक बात बताइए जी, मैं भी उतारती हूँ, आप भी उतारिए। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोली, लवी डवी, गौर से देखिए मेरी तरफ। ऊपर से नीचे देखिए, ये देखिए, देखिए मेरी आंखों में देखो, चोपड़ी आंखों में देखो, चोपड़ी की सटक गई है खोपड़ी। प्यार भरा सा लाइन बोल दो। हाय हाय हाय, चोपड़ी की सटक गई है खोपड़ी। तेरी ये शराबी आंखें, तेरी ये मस्त आंखें, कुर्बान जाऊं इन पे। हाय 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 हाय, लेकिन मेरी जान, भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। ये क्या है प्रेमू, ये तो मुझे भी पता है। वही था, भैंस तो गोबर ही देंगी ना, ग्रेजुएशन थोड़ी ना करेगी। अच्छा, आपकी हर एक लाइन मुझे याद है, इतनी नजाकत से प्रेमू आप लाइन बोलते थे। वो आपकी कौन सी लाइन थी, नंगे जाएगा क्या, नींबू नहीं जोएगा। इट्स एक्चुअली इंडिया की नहीं, बाकी मतलब पूरी वर्ल्ड में मोस्टली सारी लड़कियों का ये प्रॉब्लम है कि हम बचपन से मतलब हमेशा से ही ऐसा ख्वाब देखते हैं कि हमें इनके जैसा रोमांटिक पार्टनर मिले, या जो भी हमारा पार्टनर हो इनके जैसा हो। मुझे आज तक कोई नहीं मिला ऐसा रोमांटिक। आई एग्री, आई एग्री। प्लीज कैन यू डू समथिंग टू मी, जो मैं जिंदगी भर अपना इसी से काम चला लूं। मतलब ये भी खुर्रम वाली बात करने लगी। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखी, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाई, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां पूजा और श्रुति के लिए। सर मतलब हमें सबको पता है कि अमित यानी कि अमिताभ बच्चन जी ने भी एक भोजपुरी फिल्म की है, सर आपने क्यों नहीं की? काहे नहीं की? हाँ काहे नहीं की, हम कब से तैयार बैठे थे कि हम हीरोइन बनेंगे, कहा शाहरुख खान आएगा, शाहरुख हम कैसे करेंगे, हम गोबर वाले हाथ से ऐसे पकड़ेंगे, काहे नहीं की सर? अरे हमका कोई रोल ही नहीं दिया है, क्या करेंगे हम? हम तक कटोरा लेकर पहुंच जाए तो तरीके में एक बार बिहार जाके बोल तो देते कि आपको शाहरुख खान की तरह ऐसे से कर रहा है तो आपको फिल्म मिल जाती। अरे कितनी बार गए हम बिहार पर भी गए, भोजपुरी हर जगह पे पहुंचे हैं, एयरपोर्ट से अंदर ही नहीं जा सकते, इतनी भीड़ जमा हो जाती है, धक्के मार के वापस भेज देते हैं। हम बाकी इंडिया में बहुत फेमस है ना। लेकिन अभी बन जाती है फिल्म, फिर थोड़ा सा कर ले सर। हाँ आपने तो सारी दिल की भड़ास निकाल दी मेरी। मेरी लाइफ की तमन्ना थी बड़ों के काजल बनूं, तुमने बना दिया मुझको। और उसके बाद ये थी कि भोजपुरी हीरो बनूं, आज बना दोगी, थैंक यू वेरी मच। सर फिर डीडीएलजे भोजपुरी में हो जाए जरा। एब्सोल्युटली जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा, आज तो डीडीएलजे की ऐसी की तैसी करके ही जाएंगे हम। चलिए फिर आप सब तैयार है? राज ऐसे काहे खड़े हो, हमका फटाफट खेत में ले जाओ ना। काहे? फिर से एक बार करो, काहे? काहे? काहे ना, खेत में बहुत झाड़ होते हैं, तुम काहे ऐसा करोगे तो झाड़ हट जाएंगे, हम निकल जाएंगे। नहीं नहीं ये हमसे ना होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। राज हमको गन्ना का खेत में ले जाओ ना। हम फिर वही पूछेंगे, काहे? काहे? वाह कितना लंबा ढालक, काहे? काहे ना, गन्ना का खेत के बाजू में ही गेहूं का खेत है, उधर हमका वरुण से मिलना है। काहे? काहे? वो काहे ना इतना दूर चल नहीं सकते, फुदक के गेहूं का खेत में, इधर गन्ना का खेत में, गेहूं का खेत में, गन्ना का खेत में, शाहरुख वरुण उसको तो मिलना एक बहाना है, हमको उसके खेत से गेहूं लाना है। ऐसे मुट्ठी भर के गेहूं लाएंगे, क्योंकि आप अपने गाने में बार बार बोले ना गेहूं ला, तू आपको गेहूं दे देंगे। हमारे दिल में कहाँ बीतती है, जब भी टीवी लगाते हैं बार बार ऐसा फैला के हाथ, गेहूं ला। हमको अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा सुपरस्टार गेहूं मांग रहा है। विवेक की बात कह सकते हैं तुमसे हम? का?
काहे काहे क्या बात है, आज हमको इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे छोटे छोटे डायलॉग थे और सुपरस्टार को इतना बड़ा डायलॉग दिया था, वो डायलॉग था काहे गेहूं का खेत काहे उधर बैठे, ए गेहूं निकालो ना इधर। हम लोग हमेशा कहते रहते हैं सुपरस्टार सुपरस्टार, आज असली सुपरस्टार आए, जोरदार ताली। क्या बात है सर, दिल से दुआ करते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस 300 करोड़ 350, 500 से ज्यादा आएंगे सर, जोरदार तालियां। शाहरुख सर का क्या स्टाइल है, ये ऐसे करके लड़कियां पटा लेते हैं, हमारे शकील भाई जब ऐसे करते हैं ना लड़कियां बेहोश हो जाती है इसकी वजह। सर कमाल कमाल की फिल्में की, दीवाना, ऋषि कपूर की बीवी अंदर, डर, सनी देओल की बीवी अंदर, कुछ कुछ होता है, सलमान खान के साथ शादी तय हुई उसकी बीवी अंदर। सर 5 साल से कश्मीरा से शादी तय करके बैठा हूं, क्यों नहीं ले जाते सर उसको? मेरी बारी आई तो सुधर गए यार, अरे भगवान। ये देखो इसे कहते हैं खूबसूरत लड़की, कृति स्नोन के लिए जोरदार तालियां होगा। क्या खूबसूरत नाम है, कृति स्नोन। स्नोन हाँ, ऐसा लगता है वॉशिंग मशीन है कुछ। बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसी खूबसूरत लड़कियां होती है भैया, ऐसे ऐसे लो ना बाहों में तो ऐसा लगता है कोई रोमांटिक सीन चल रहा है। एक ये केस है घर पे कश्मीरा शाह है, ऐसे हाथ में रखो ऐसा लगता है विक्रम बेताल की शूटिंग चल रही है। मेरे दोस्त सुपरस्टार वरुण धवन के लिए जोरदार तालियां होगी। शाहरुख सर